नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक जो सवाल है, क्वेरी बनी हुई है दिमाग में, एक कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हुई हुई है। उस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। हम बात करेंगे कि आपका असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या है। देखिए, जो कन्फ्यूजन है वो इस तरह से क्रिएट हो रही है क्योंकि आपका जो पोस्ट है वो असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर का है। ठीक है, हम यूँ कह के चल सकते हैं कि टेक्निकल पोस्ट हैं, और बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है दिमाग में कि ये टेक्निकल पोस्ट है तो इसका जो सिलेबस है क्या वो भी टेक्निकल पूछा जाएगा। देखिए, अभी जो आपका पेपर की अनाउंसमेंट हुई है, मतलब नोटिफिकेशन आई थी इस साल, उससे पहले ये एग्ज़ाम जो है आपको देखने को मिलेगा कि 2019 के अंदर, 18 के अंदर आपका जो ये पोस्ट है इसकी नोटिफिकेशन आउट हुई थी। ठीक है, अब ये जो नोटिफिकेशन आउट हुई थी इसका अपडेटेड जो सिलेबस था वो 2019 में कमीशन की वेबसाइट पे देखने को मिलता है। अब जो कमीशन की वेबसाइट है उस पर उस तारीख के बाद, मतलब 2019 के बाद, सिलेबस में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो हम ये मान के चलें कि सिलेबस पुराने वाला आपको आएगा। जी बिल्कुल, आपको यही मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर तो सिलेबस अपडेट होता है तो कमीशन अपनी वेबसाइट पर जरूर डालेगा, क्योंकि विदाउट सिलेबस किसी भी एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो कमीशन अगर सिलेबस अपडेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब जो ऑलरेडी पुराना पैटर्न है या पुराना सिलेबस जो बताया गया था उसी के अकॉर्डिंगली आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन आपको दिमाग में नहीं रखनी है। अगर आप मान लीजिए आप कहते हैं कि सिलेबस जो है वो चेंज होना चाहिए या फिर चेंज होने के चांसेस हैं, तो आप यूँ मान के चलिए कि अगर सिलेबस चेंज भी होगा, अगर बदलाव कोई भी होगा, तो वो पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कई महीने पहले जो कमीशन की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आपके पास सफिशियंट टाइम हो एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। अब क्योंकि जो एग्ज़ाम है उसकी डेट भी अनाउंस नहीं हो रही है, और मुझे भी नहीं लगता है पर्सनली कि जो आपका सिलेबस है उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव आगे देखने को भी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, जो ऑलरेडी आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो एग्जाम पेपर है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं जो 2019 में सिलेबस कमीशन की वेबसाइट पे अपडेट होकर आया था उसमें क्या क्या चीज़ें थी, और आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही अपनी प्रिपरेशन करनी है। आगे क्या होगा वो आगे की चीज़ आगे कमीशन खुद बताएगा। अगर सिलेबस में बदलाव होगा, कुछ भी होगा, तो वो कमीशन जो है एचपीएससी खुद बताएगा। जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तब तक आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही पढ़ना पड़ेगा, और यही आपका एग्जाम के लिए सिलेबस रहेगा। क्योंकि अपडेट अगर कुछ होगा तो वो बताया जाएगा, अगर नहीं बताया जा रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि एग्जाम के नज़दीक ये सब चीज़ें नहीं होती है, ये काफ़ी टाइम पहले की बात होती है। एग्जाम से कई महीने पहले जो सिलेबस है अगर उसके अंदर कोई बदलाव है तो वो बताया जाता है, और ऐसा पॉसिबल होता हुआ मुझे भी नहीं लगता है कि अभी जो सिलेबस है उसमें कोई बदलाव होगा। तो 2019 में जो सिलेबस अपडेट किया गया था उसी के अकॉर्डिंगली आपका एग्जाम होगा। तो अगर उस सिलेबस की मैं बात करूं तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिख रखा है, देयर विल बी ओनली वन पेपर। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक पेपर होगा आपका, कंप्राइजिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप, दैट इज योर मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज वो पूछे जाएंगे। और ये जो एमसीक्यूज होंगे इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कंप्राइजिंग ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द वाटर एंड एयर पोल्यूशन। इसके अलावा और कोई शब्द यूज नहीं किया गया है, वाटर एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट्स एंड द रूल। तो वाटर एंड एयर पोल्यूशन जो है आपका, उससे रिलेटेड जो एक्ट्स आए हैं या फिर रूल्स बने हैं, चाहे वो अब बने हैं चाहे वो 2019 से पहले हैं, मतलब जो भी आपका वाटर एंड एयर पोल्यूशन के अंदर एक्ट्स एंड रूल्स हैं अभी तक टिल डेट एग्जाम से पहले, वो सब उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, किसी भी तरह का कोई टेक्निकल फील्ड की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं हमें देखने को मिल रही है। सिंपली मेंशन किया गया है वाटर एंड एयर पोल्यूशन एक्ट एंड रूल्स, तो इससे रिलेटेड सवाल आएंगे। इसके अलावा आपका कोई भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आप कहें मैकेनिकल, सिविल, ये सब जो इंजीनियरिंग है वहाँ से कोई सवाल देखने को हमें नहीं मिलेंगे। ये हमारा सिलेबस कहता है, जो कि एचपीएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करें जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स। जनरल अवेयरनेस आप जानते हैं जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वो सब चीज़ें, करंट अफेयर्स, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ दी हरियाणा। तो हरियाणा से संबंधित स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है, तो डेफिनेटली काफ़ी क्वेश्चन हरियाणा से आएंगे, तो ये देखने को मिलेगा। साथ में रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग के जो कुछ क्वेश्चन हैं, क्वांट एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन हैं, और जनरल इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन हैं। तो टोटल सिलेबस आपका क्या हो गया,
वाटर एंड एयर पोल्यूशन एक्ट एंड रूल्स, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, उसके अलावा हरियाणा की जीके, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश। ये टोटल आपका पेपर इस तरह से रहेगा। बात करें कि एग्जाम जो होगा उसमें कितने क्वेश्चन क्या होगा, तो 100 एमसीक्यूज होंगे आपके, ठीक है, 100 एमसीक्यूज होंगे और देयर विल बी दी नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप इतनी तो चीजें नॉर्मली ही हैं, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग यार सिंपल सी चीज है कि जो ऑलरेडी मेंशन किया गया है सिलेबस वही आपका रहने वाला है, अभी कोई बदलाव नहीं है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंगली ही प्रिपेयर करना है। तो हमारा जो आज वीडियो का मकसद था वो यही था, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हमारे पास आ रहे थे कि सिलेबस में कुछ बदलाव होगा कि नहीं, यहाँ पर कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो है वहाँ से सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नहीं। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको प्रॉपरली कमीशन का जो सिलेबस है 2019 में वेबसाइट पे आपका डला था, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, उसी सिलेबस को फॉलो करना है। बाद में किसी भी तरह का कोई बदलाव कुछ भी होता है तो वो इजीली चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि जब सिलेबस मेंशन ही नहीं किया गया कोई बदलाव, तो एचपीएससी अलग से क्वेश्चन नहीं डाल सकती है, जो सिलेबस मेंशन किया गया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन डालने पड़ेंगे। तो इसलिए कमीशन की वेबसाइट पे सिलेबस है, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर भी लिंक मिल जाएगा इस नोटिफिकेशन का, ये ओल्ड है, पुरानी है, लेकिन हाँ यही सिलेबस जो आपका फॉलो किया जाएगा। तो आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।